हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गेहूं गांव का कचरा पॉइंट बना परेशानी का सबब। बाड़मेर शहर के निकटवर्ती गेहूं गांव में नगर परिषद द्वारा बनाया गया कचरा पॉइंट स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। पिछले 12 वर्षों से कचरा निस्तारण केंद्र ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि शहर के कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों को कचरा ढककर लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बावजूद इसके बेपरवाह कचरा संग्रहण कर्मचारी बिना किसी तिरपाल के गाड़ियों में कचरा भरकर यहां पहुंच रहे हैं, जिसके चलते गेहूं रोड से गुजरने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने बिना तिरपाल लगी कचरा संग्रहण की गाड़ियों को रुकवा कर नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिना तिरपाल के किसी गाड़ी को आगे नहीं जाने देने की बात कही। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 12 वर्ष पूर्व बने कचरा पॉइंट के बाद से ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचरा पॉइंट के चारों ओर फैली गंदगी से भयानक बदबू के हालात बने हुए हैं और कई लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। लोगों के अनुसार भयंकर गंदगी की वजह से बदबू के साथ मक्खियों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को सुबह शाम भोजन करना तक दुभर हो गया है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद पर आरोप लगाए कि नगर परिषद द्वारा हर बार तिरपाल लगाकर कचरा निस्तारण करने की बात कही जाती रही है, लेकिन आए दिन वाहन चालक लापरवाही पूर्वक बिना तिरपाल ढके कचरा लेकर कचरा पॉइंट पहुंच रहे हैं, जिसे कचरा पॉइंट तक आने वाली गेहूं रोड पर जगह जगह कचरा फैल गया है। वहीं इन वाहनों की आवाजाही के दौरान यहां से गुजरने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गेहूं गांव में स्थापित कचरा पॉइंट को लेकर स्थानीय प्रशासन समेत विभिन्न संगठनों समेत प्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते प्रशासन उनकी समस्याओं पर अमल नहीं करता है तो मजबूरन उन्हें जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर परिषद की होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तेरा प्लांट हटा दो, तेरा प्लांट हटा दो, तेरा प्लांट हटा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 20-30 बार सरकार से मिले, मेवाराम जी से मिले और बीजेपी सरकार से मिले, कांग्रेस सरकार, किसी ने नहीं सुनी, दोनों सरकारों ने नहीं सुनी, ना केंद्र ने सुनी ना राज्य सरकार ने सुनी। हम लोग ग्रामीणवासी बहुत परेशान हैं, इससे अच्छा है कि हम सुसाइड करके मर जाए सो बढ़िया है। समस्या सर कचरा प्लांट की है, कई साल से हमारा पूरा गांव कचरे से परेशान है। कई बार से हमारे गांव के लोगों ने रिपोर्ट भी जाके दी, नेता लोगों तक भी बात पहुँचाई, लेकिन हालत ये है कि आज हमारी पीढ़ी इस कचरे की वजह से घोर बीमारी से ग्रस्त है और कई बार मरे हुए जानवर भी ला के डाल देते हैं। और सीधी सी बात है सर, जो कचरा प्लांट बना हुआ है विशेष तौर पर उसके अंदर नहीं डालते हैं कचरा, पूरा बाहर डालते हैं। जो भी गाड़ियां आती है पूरी पूरी खुली आती है और चलते हुए राहगीर जो बाइक वाले जाते हैं पैदल जाते हैं उसके ऊपर कचरा गिरता है और मोटरसाइकिल वाले भी कई बार गिरे हैं और कई बार एक्सीडेंट हुआ है। सरकार से ये निवेदन है कृपया करके ये कचरा प्लांट ही यहाँ से हटा दिया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।